आम आदमी पार्टी का जनहित के मुद्दों पर चल रहा क्रमिक अनशन आश्वासन के बाद खत्म कर दिया गया। प्रशासन ने 10 दिन में समस्याओं और काम शुरू करने की बात कही है। आम आदमी पार्टी के द्वारा नगर निगम गेट पर चल रहे क्रमिक भूख हड़ताल के दूसरे दिन आपका धरना नगर निगम अधिकारियों व तहसीलदार के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। नगर निगम अधिकारी वीपी उपाध्याय, नायब तहसीलदार व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से हुई वार्ता के बाद सहमति बनी और आंदोलन खत्म कर दिया गया। आपकी नगर निगम के 45 वार्डों में बिखरी समस्याओं को लेकर 10 सूत्रीय मांग थी। प्रशासन ने आपके पदाधिकारियों को नगर निगम में वार्ता के लिए बुलाया, जहां आपने निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन दिया, जिसको वीपी उपाध्याय ने रिसीव किया और आश्वस्त किया कि 10 दिन के अंदर आपकी समस्याओं पर कार्य किया जाएगा। नायब तहसीलदार जाह्नवी शुक्ला ने अनशन स्थल पर पहुंचकर अनशन तोड़वाया। जैसा आप सबको पता, ज्ञापन दिया गया था 4 तारीख को और यहाँ पे हम लोग सबको हड़ताल पे 2 दिन से बैठे हैं। कल शाम को SDM साहब आए, कल आज हम लोग को बुलाया गया था 1 बजे, तो हम लोग यहाँ से सबको पदाधिकारी सामने सब हम लोग यहाँ पे गए और जो भी हमारी 10 सूत्री मांगे थी तो उन्होंने कहा थी, उन्होंने हर वार्ड में क्या 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 नहीं है, क्योंकि कुछ अभी वार्डों की हमारे पास नहीं है जानकारी, तो बोले कि ठीक है जो आपके पास जानकारी है पहले वो ले लीजिए, वो 1 हफ्ते का समय दिया है उन्होंने। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।